एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इज ब्यूटी द्वावी। और आज का वीडियो होगा इस पे, और ये है गुड वाइब्स का फेस वॉश। इसका मैं आपके साथ रिव्यू एंड डेमो शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो फेस वॉश है ये है पोमेग्रेनेट वाला, और ये रिजुविनेटिंग फेस वॉश है। और गुड वाइब्स में आपको और भी इसके बहुत ज्यादा रेंज मिल जाते हैं, लाइक पपाया, फिर स्ट्रॉबेरी। तो सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये बहुत ही स्टर्डी एंड टफ टाइप का बॉटल है जो कि ट्रांसपेरेंट में है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लूज है, बहुत अच्छा। और ये पंप डिस्पेंसर में आता है, इसे आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसे फेस वॉश बाहर आता है। और कहीं आप ट्रैवल में ले जाते हैं तो इसे आप क्लोज कर सकते हैं, इसे नीचे कर दीजिएगा प्रेस तो ये क्लोज हो जाएगा, तो इससे आपका फेस वॉश लीक नहीं करता है। तो ये सभी इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 120 ml, और इसकी प्राइस है 175 rupees। और ये फेस वॉश क्रुएल्टी एंड पैराबिन फ्री है, मतलब कि ये कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं हुआ है एंड ये पैराबिन भी नहीं है इसमें। सो गुड वाइब्स के सभी प्रोडक्ट में ये रहता ही है कि उसमें पैराबिन नहीं रहता है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 years के लिए, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये रिजुविनेट करता है, लेकिन क्यों करता है, क्योंकि इसमें पोमेग्रेनेट दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि रिच इन फैटी एसिड होते हैं और विटामिन्स होते हैं, जिसके कारण कि आपका फेस बहुत ही अच्छी तरह से नरिश होता है और ग्लो आता है आपके फेस पे, ये ग्लो ऐड करता है। और ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ तक फुल रहता है, बट मैंने थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है तो अभी इतना खत्म हुआ है, और बहुत टाइम तक चलता भी है क्योंकि ज्यादा आपको लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये ना तो बहुत थिक है और ना ही बहुत थिन है, और बहुत अच्छा है और जेल बेस में है। और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी फ्रूटी स्मेल है, ऑब्वियसली फ्रूट है तो स्मेल भी वैसा ही आएगा। इसे आपको किस तरह से यूज करना है, यूज करने के लिए आपको ये 1 से 2 pump आप अपने पाम पे लीजिए, उसके बाद अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह सर्कुलर मोशन में अप्लाई कीजिए, और थोड़े देर तक रब करने के बाद आप रिंच कर लीजिए नॉर्मल प्लेन वाटर से। और जब आप इसे वॉश करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका फेस क्लीन दिखेगा, वो सभी इसमें दिए हुए हैं। और इसमें बी केयरफुल में है कि आपको आई के कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है इसे। इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, इसमें है सोय प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, कैरेट एक्सट्रैक्ट, हनी एक्सट्रैक्ट, पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, जो भी है सभी बहुत अच्छे हैं। और इसमें EDTA भी है एंड इसमें SLS भी है, ये सब इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं ना। इसमें जो बैड है मीन्स थोड़ा बहुत वो है, इसमें SLS भी दिया हुआ है, मीन्स पैराबिन नहीं है बट SLS दिया हुआ है, तो ये आपको मे भी अच्छा नहीं लगे। और हाँ, जब आप इसे रिंच करते अपने फेस से मतलब, तो जल्दी हटता नहीं है, आपका फेस लगेगा कि थोड़ा और अभी सोप टाइप का है, तो आपको अच्छी तरह से वॉश करना होगा। एंड अफोर्डेबल में ही है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये डिस्पेंसर होने के कारण क्या होता है कि बहुत ही मतलब इजी होता है यूज करने के लिए, बस आप इसे प्रेस कीजिए एंड फेस वॉश आ गया, आपको ओपन क्लोज ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। सो ये बहुत अच्छा फेस वॉश है और आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये था इस फेस वॉश का रिव्यू, आई होप ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।